सो क्या हाल चाल गाइस। आज हम जा रहे थे जी चंडीगढ़ के पास वाटरफॉल की सर्च में। सो हमें एक जगह मिली है, मैंने कभी विजिट नहीं किया अभी तक वहाँ पे। सो आज जाके बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं। और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और नियर बाय ये 40-50 के आसपास पड़ता है चंडीगढ़ से। और बाकी देखते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ जाके क्या चार्जेस रहते हैं और कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो, उसके नियर बाई क्या क्या जगहें हैं। सो मिलते हैं आपको गाइस। ये है पहाड़, यहाँ से आप लगा सकते हो कि ये है रास्ता शिमले का। शिमला वाला रास्ता है ये पहाड़। सो गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है हिमाचल में, यहाँ से है जी हिमाचल प्रदेश वाली का। ये हिमाचल का टोल है जो हमेशा ही एंट्री भी आता है हिमाचल की। सामने शिमला को जाता है रास्ता और लेफ्ट साइड को परवाणू को। हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, टर्न लेफ्ट ऑनटू कालका शिमला रोड, शॉर्टकट है एक, तो हम उधर से जाएंगे। गाइस अभी पहुंच चुके हैं जी पैराडाइज वैली में। यहाँ पे वाटरफॉल भी है और स्विमिंग पूल भी है। काफ़ी अच्छी जगह है, व्यू आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है। और गाड़ी भी हमने लगा दिया वो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। बाकी यहाँ पे खाने के लिए भी है, रूम्स भी है, और जो वाटरफॉल है वो तो सभी के लिए, पर जो स्विमिंग पूल है वो फैमिली और कपल्स के लिए ही है। और इसकी एंट्री फीस 100 रुपये है। गर्मियों में बढ़ जाती है क्योंकि वाटरफॉल तो सो ही रहता है, पर जो नहाने का है उसका प्राइस बढ़ जाता है। सो दिखाते हैं अभी आपको कैसा वाटरफॉल है। पहुंच चुके हैं जी हम स्विमिंग पूल की तलाश में। और ये ऊपर से देख सकते हो आप स्विमिंग पूल, और वो नीचे काफ़ी जाके है अपना वाटरफॉल। और यहाँ पे दो पूल है, दो से ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, तो एक वो नीचे है एक इधर है। और दिखाते हैं अभी आपको, और यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं, ये सारे रूम्स हैं। और ये है जी स्विमिंग पूल जो 4 फुट गहरा है। और वो देख सकते हो आप नीचे तक, यहाँ है वाटरफॉल है। और ये है भाई स्विमिंग पूल 4 फुट, ये कहाँ से भाई 4 फुट, हद है यार, ये तो पैसे बर्बाद वाली बात। अच्छा वो नीचे, गाइस मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच जाता हूँ, यहाँ भी हो सकता है स्विमिंग पूल, पर यहाँ पे नहीं है भाई, ये तो धोखा ही हो गया हमारे साथ। अच्छा ये 4 फुट यहाँ से है। मैं तो कहाँ से देख रहा था। जैसे रास्ते हैं यहाँ पे, पौड़ियाँ, और नीचे आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं जी
गाइस ये है जो प्राइवेट स्विमिंग पूल होते हैं, ये है वैसे नेटी लगा रखा है, प्राइवेसी तो क्या ही है इसमें। ये वाटरफॉल और ये है जी एक बड़ा सा पहाड़ जिसके बीच में हम घुस चुके हैं जी। गाइस ये पढ़ लो आप कुछ खतरनाक चीज है। ये है जी वाटरफॉल भाई, ये कहाँ से वाटरफॉल है, ये तो भाई गलत ही काम हो गया। वाटरफॉल खाई और हमने कर दी है पूरी। शाम को यहाँ पे लाइटें चलती हैं और क्या ज़बरदस्त व्यू बनता है ना, और ऊपर से वो सनसेट क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब जहाँ तक देखोगे वहाँ तक लाइटें और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, बहुत ही। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा गर्मियों में आओ और मज़े करके जाओ, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है और इनका शायद चार्जेस 100 रुपीज़ पर आवर रहता है स्विमिंग पूल का। और यहाँ पे ऑल अबाउट 3 स्विमिंग पूल्स हैं, एक तो बड़ा है 4 फुट का और 2 जो कि है 1 फुट का होगा जो बच्चों के लिए है और एक अबाउट 3 फुट का होगा जो बड़ों के लिए। सो टोटल 3 पूल हैं और वाटरफॉल है। 100 रुपीज़ काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छा मज़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हवा चल रही है ना ज़बरदस्त ठंडी हवा बिल्कुल ही, मेरे को तो भाई ठंड लग रही है, मैं तो हाफ टी शर्ट में आ रखा था, पर काफ़ी अच्छी जगह है। नज़ारे देख सकते हो रात के यहाँ पे, बड़ा ही तगड़ा। यहाँ स्टे भी अगर आप स्टे लेना चाहते हो, हम तो भी निकल रहे चंडीगढ़ वापसी। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।